गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8 गणित में इकाई 5 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। इकाई 5 क्या है? बीज या व्यंजकों का भाग एवं गुणनफल। ठीक है, इसमें हम पहले पढ़ते हैं चर क्या है, अचर क्या है, एक चर में बहुपद क्या है और घातांक क्या है। देखो, पहले चर के बारे में जानेंगे। चर क्या होते हैं? जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ये सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। और इनका मान हर समीकरण में बदलता रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास अल्फाबेट हैं, ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। अब आता है अचर। अचर क्या होती है? जितनी भी गिनती होती है, जैसे 1, 2, 3 डैश डैश करके अनंत तक, ये सब क्या होते हैं? अचर होते हैं और इनका मान कभी भी नहीं बदलता है। तो अचर कौन है? जितनी भी गिनतियां हैं वो क्या है? अचर है, क्योंकि इनका मान कभी भी नहीं बदलता है। अब आता है हमारे पास एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद का मतलब है कि जिस बहुपद में केवल एक ही चर होता है उसे हम एक चर में बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 2x² + x लिख दिया माना, तो यहाँ देखो क्या है? एक ही चर है और वो चर कौन है? केवल x है, इसलिए ये क्या है? एक चर में बहुपद है। अगर हम यूँ लिख लेते हैं x + y लिख लेते हैं, अगर बराबर 2 लिख दिया, जैसे हमने x + y = 2, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें कितने चर हैं? इसमें 2 चर हैं। ठीक है, 2 चर हैं और वो 2 चर क्या है? x और y है। तो एक चर में बहुपद का मतलब है कि केवल एक ही चर होना चाहिए, चाहे वो x ही x हो, चाहे वो y y हो। ठीक है, अब आता है घातांक। घातांक का मतलब होता है कि बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वो क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। जैसे माना हमने यहाँ पे लिख दिया 2x² + x³ + x लिख दिया, ये क्या है? एक बहुपद है। इसमें क्या है? सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। ठीक है, जब सबसे बड़ी घात 3 है तो इसलिए इसका जो घातांक आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही घातांक कहलाएगी। ठीक है, एक और देखिए, जैसे ये लिख दिया हमने x² + x² + y² + x लिख दिया, इसमें कितनी क्या होगी घातांक? इसमें x और y दोनों की घातों को जोड़ेंगे, क्योंकि घातें गुणा में हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जुड़ेंगे तो 2 और 2 कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। तो यानी कि x, जैसे हमने यहाँ देखा, दूसरे में देखा कि x² + x² + y² + x लिखा है, हमें इसमें क्या बतानी है? घातांक बताना है। तो देखो, इसमें हम x² y² दोनों की घातों को जोड़ेंगे। तो अब देखो, जैसे ये दे रखा है हमको, क्या दे रखा है? x² + x² + y² + x दे रखा है, इसमें हमें घातांक बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? x² और y² दोनों की घातों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे कितने आएगी इसकी घातांक? कितना आएगा इसका? 2 और 2 = 4 आएगा। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया घातांक? बराबर हमने लिख दिया 4, क्योंकि x y यहाँ पे क्या है? यहाँ तो 2 चर हैं और दोनों चर किस में है? गुणा में है ये, और गुणा में क्या होती है? घातें जुड़ जाती हैं, तो घातों को हम यहाँ पे 2 और 2 = 4 लिख देंगे। अब आता है प्रश्नावली आती है, पहला अभ्यास 5A का पहला प्रश्न है, भाग दीजिए। इसको हम सरल कीजिए भी लिख सकते हैं और भाग दीजिए भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 8x² + yz में 2xy से हमें भाग देना है, तो हम इसे क्या कर देंगे? क्या लिख लेंगे? 8x² + yz लिख दिया, बटे लिख देंगे 2xy। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 2 से 8 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 बार कट गया। अंक से अंक को भाग देंगे, तो 2 से 8 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब हमें x को देखना है, x यहाँ कितने हैं? 2 हैं। यहाँ कितना है?
एक घात है एक्स की, तो दो घात में से एक घात कट जाएगी, तो यहाँ कितना बच जाएगा, केवल एक्स बचेगा। और कहाँ बचेगा, ऊपर बचेगा। एक्स यहाँ दो बार है और यहाँ एक बार है, तो दो बार में से एक घात कट जाएगी, तो कितना बचेगा, केवल एक्स। और वाई से वाई कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे, जेड बच गया। क्या किया हमने, एट एक्स स्क्वायर वाई जेड, और नीचे लिख लिया टू एक्स वाई। दो से पहले आठ को काटा, कितनी बार कटा, चार बार। फिर एक्स स्क्वायर से एक्स को काटा, क्योंकि ये दो है ये एक है, तो एक पावर कट जाएगी, क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा। वाई से वाई पूरा कट जाएगा और जेड बच गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी से भाग देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी लिख दिया हमने, ठीक है। हमें सूत्र पता है कि सूत्र क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। और नीचे क्या है हमारे पास, ए प्लस बी। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, एक बार ये जुड़ता है और एक बार घटता है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, तो क्या आ गया इसका उत्तर, ए माइनस बी, ठीक है। क्या क्या हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में लिख दिया ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और बटे में क्या था, ए प्लस बी था। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, ए माइनस बी आ गया। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर दो, सरल कीजिए। सरल कीजिए में क्या है, प्रश्न नंबर दो का ख, एक्स की पावर थ्री प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और बटे में है एक्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम, ये क्या है, एक चर है, एक चर में हम भाग देते हैं जब, ये कैसा है, नीचे जो भाग दे रहे हैं जिस पद से वो एक पदी है। जब भी एक पदी भाग होता है तो इसको हम सारी संख्याओं के नीचे अलग अलग लिख लेंगे। जैसे x की पावर 3 के नीचे हमने x लिख लिया, 4x स्क्वायर के नीचे भी x लिख लिया और 4x के नीचे भी x लिख लिया, क्योंकि ये एक पद ही है, इसमें केवल एक ही पद है। जब एक पद होता है तो हम क्या करते हैं, अंश में जो संख्याएं लिखी हुई होती हैं या जो बहुपद है उसके सबके नीचे अलग अलग लिख देंगे। इसको अलग अलग लिखने पे अब देखो यहाँ कितनी पावर है, 3, यहाँ कितनी, 1। तीन में से एक कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी, x की घात 2, वो कहाँ बचेगी, ऊपर, ठीक है। प्लस 4 तो ऐसे ही रहेगा, और x की घात 2 में से एक घात कम हो गई तो क्या बच गया, केवल x। यानी x यहाँ पे कितनी बार था, x की पावर 2 थी और नीचे x है, तो 2 में से एक गया 1, यानी x की पावर 1 बची। प्लस यहाँ पे x से x कट गया, तो यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया। इसको हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं। और ये क्या है, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x। ये किसका फॉर्मूला बना, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, पहले एक पदी होने के कारण इसको सबके नीचे अलग अलग लिख लिया हमने, सब संख्याओं के नीचे अलग अलग लिख दिया, जो बीजे व्यंजक थे उनके नीचे, सबके नीचे अलग अलग लिख दिया। अब x की पावर से x की पावर को देखा, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया केवल 1 x बचा, और यहाँ x से x कट गया तो कितना बचा, 4। ये जो बनता है ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, जब खोलेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा, यही बहुपद प्राप्त होगा, ठीक है। अब है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में भी एक पदी है, क्योंकि हर जिससे हमें भाग देना है वो क्या है, एक पदी है। इससे हम क्या करेंगे, इसको भी ऊपर वाले बहुपद के साथ अलग अलग लिख देंगे, यानी 16 एक्स स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 4x माइनस 8 एक्स की घात 3 बटे आ जाएगा 4x, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, हमको काटना है, अंक से हमको भाग देना है, तो 4 से 16 कितनी बार गया, 4 बार, और 4 से 8 कितनी बार गया, 2 बार गया। तो यहाँ क्या बचा, अंक कितना बचा, 4। अब x को देखना है, x की घात 2 है, यहाँ 1 है, तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा। माइनस है, माइनस लिख दिया,
चार दुनी आठ, कितना बचा? दो। और x की घात तीन, तीन में से एक घात गई तो कितना बचा? x की घात दो। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं। अब इसमें से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या है? एक तो आया दो और एक क्या आया? x। कॉमन क्या होता है? जो दोनों में एक जैसी संख्या होती है वो कॉमन कहलाती है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं हम उसको, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ दो एक्स है तो दो से दो को भाग, चार को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? दो बार। और एक्स एक्स में भाग देंगे तो एक्स हट जाएगा। माइनस दो एक्स से दो एक्स को भाग देंगे तो दो तो गया, केवल क्या बचा? एक एक्स बचा, क्योंकि एक एक्स यहाँ से चला गया, एक एक्स बच गया। तो इस आंसर को हम यहाँ भी छोड़ सकते थे और ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास पाँच बी। पाँच बी में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के घातांक बताइए। ये घातांक के बारे में तो आपको अभी शुरुआत में बताया जा चुका है कि घातांक कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, बहुपद दो एक्स की घात तीन प्लस पाँच एक्स की घात दो माइनस सात है। इसमें हमें क्या लिखना है? घातांक लिखना है। तो आपको क्या बताया, घातांक क्या होता है? जो बहुपद में चर की, चर क्या है यहाँ पे? एक्स है। चर की सबसे बड़ी घात होती है वो घातांक कहलाती है। तो यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात क्या है? तीन है। देखो एक्स की घात तीन है तो इसलिए घातांक बराबर हो जाएगा तीन। क्या क्या हमने देखा? बहुपद, बहुपद में चर कौन है? एक्स है। और एक्स की सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात है तीन, इसलिए घातांक बराबर हो जाएगा तीन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे सात है, ये यहाँ पे कोई चर नहीं है, ठीक है, यानी चर की घात यहाँ पे क्या है? जीरो है। और चर की घात जीरो का मान एक होता है। जैसे हम लिख लेते हैं, अगर एक्स की घात जीरो है तो इसका मतलब एक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ये क्या है हमारे पास? सात है। और सात कैसी संख्या है? अचर है, यहाँ पे चर नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हम घातांक बराबर शून्य, यानी जीरो हो जाएगा। क्या है ये? अचर है, चर नहीं है, और घातांक केवल चर की लिखी जाती है, अचर में घातांक नहीं होती है। और जब यहाँ पे चर नहीं है इसलिए इसकी घात क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न, भाग दीजिए। हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स प्लस बीस में एक्स प्लस चार से। अब जो भाग दे रहे हैं हम, जो हमारे पास भाजक है, भाग देने जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाती है, जिसको भाग देते हैं वो भाज्य कहलाती है। तो भाजक जो है वो क्या है? द्विपद में है। देखो दो पद हैं, एक क्या है? एक्स है, और एक क्या है? चार है। तो इसको हम भाग कैसे करेंगे? ये देखिए, यहाँ लिख दिया हमने एक्स प्लस चार, और यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स प्लस बीस लिख दिया। इसको हम पहले के जैसे भाग नहीं देंगे, अलग अलग नहीं लिख सकते इसके नीचे, क्योंकि ये द्विपद में है, द्विपद वाले को हमें भाग विधि से ही करना होगा। अब क्या करते हैं, भाग देने के लिए पहले वाले पद को देखते हैं। यहाँ कितना है? एक्स स्क्वायर है, और इसके बराबर लाने के लिए इससे हमें गुणा करनी होती है। ये क्या है? एक्स है। अगर हम यहाँ पे एक और x से गुणा कर दें तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसको किससे गुणा कर रहे हैं? पूरे पद को x से गुणा कर रहे हैं। जब x की गुणा पहले x से करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। प्लस का साइन है, प्लस लग गया। x की गुणा किससे करेंगे? चार से करेंगे तो कितना आएगा? चार एक्स आएगा। क्या करा हमने? सबसे पहले पहले पद को देखते हैं, पहले पद को हटाना है हमने। पहले पद को हटाने के लिए किससे गुणा करते हैं हम? भाजक से तुलना करते हैं। तो भाजक से तुलना करने पे यहाँ क्या है? एक्स है, यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर है। अगर हम भाजक को एक्स से गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको? एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। एक्स की गुणा चार से करेंगे तो क्या आएगा? चार एक्स आएगा। अब हमें इनके विपरीत चिन्ह लगाने होते हैं। ये क्या है? प्लस है, तो क्या लगेगा? माइनस। चार एक्स भी प्लस का है तो यहाँ लगेगा माइनस। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, पहले पद को हटाना होता है। अब यहाँ देखो, इसका साइन ये प्लस ना रह करके क्या हो गया? चार के लिए माइनस बन गया।
तो 9 में से 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस हो गया, और 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5 बचा, यानी 5x बच गया। अब हमने अगला पद उतार लिया, क्या उतार लिया यहाँ पे 20, 9 में से 4 घटाया, कितना बचा 5x, 9x में से 4x घटाएंगे तो बचेगा 5x, प्लस का प्लस लिख लिया, अगला पद 20 है 20 लिख लिया। अब फिर से हमें यहाँ देखना है, भाजक पे देखना है, यहाँ कितना है 5 है, 5x है, यहाँ कितना है केवल x है, इसका मतलब हमें भाजक को किससे गुणा करनी है, प्लस के 5 से गुणा करना है, इसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस लिख देते हैं। जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 की x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5x, प्लस का साइन है, फिर से प्लस लग गया, क्योंकि प्लस 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 होगा, और 5 की गुणा 4 से करेंगे तो 5x 20 हो गया। फिर अपोजिट साइन लगा लेंगे, विपरीत चिन्ह, यहाँ क्या लग गया माइनस, ये भी प्लस है तो ये क्या लग गया माइनस, और ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो जो हमारा भाग देने पे उत्तर आया है, भागफल, जो भागफल आया है वो कितना आया हमारे पास x प्लस 5, हमारा क्या आ गया भागफल आ गया, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया x प्लस 5। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3, भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल लिखना हमको। क्या बताना है, भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल लिखे। सबसे पहले तो हम भाग देंगे इसको, जैसे अभी दिया था भाग, तो 7x माइनस 4 का भाग किस में देंगे हम, 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15 में भाग देंगे हम। जब भाग देंगे देखो, सबसे पहले यहाँ कितना है 7 है और यहाँ कितना है 14, इसका मतलब 7x को हमें किससे गुणा करनी है, एक तो पहले किससे करनी है 2 से, तो 7 दुनी 14 बनेगा, तो ये कितना बन गया 14। अब यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यानी हमें क्या चाहिए, एक और x चाहिए। पहले पद को हटाना होता है, पहले पद को हटाने के लिए हम इसके इससे संख्या ढूंढते हैं कि किससे गुणा करें कि पहला पद हट जाए। तो 7 की गुणा अगर 2 से करते हैं तो हमें 14 मिल जाता है, x की गुणा x से करते हैं तो x स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। अब आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख लिया। 4 की गुणा 2x से करेंगे तो कितना आएगा 8x आएगा, विपरीत चिन्ह लगा देते हैं, ये प्लस है तो विपरीत चिन्ह माइनस, ये माइनस है तो इसका विपरीत चिन्ह लग गया प्लस, ठीक है, ये कट गया। अब दोनों प्लस हो गए, दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो 13 में 8 जोड़ लेंगे तो कितना बचेगा 21x आ गया। हमने क्या उतार लिया, माइनस का 15 उतार लिया, ठीक है। अब 7 की गुणा हम किससे करें कि 21 आ जाए, किससे करेंगे, चिन्ह कौन सा इसके आगे प्लस का, प्लस लग गया। 7 की गुणा किससे करें कि 21 आ जाए, 3 से करेंगे, 7 3 21, एक्स एक्स हमारे पास है ही, हमने ऐसे ही लिख दिया 7 3 21, एक्स ऐसा ही है तो एक्स लिख दिया, माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 4 3 12, विपरीत चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ लग गया माइनस, यहाँ लग गया प्लस, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस घटा देंगे तो माइनस का क्या बचेगा 3 बच गया हमारे पास, शेषफल क्या आ गया 3 आ गया। अब हमें क्या लिखना है कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है, तो हम इसको लिख लेंगे। तो जब हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम भाज्य, पहले आएगा भाज्य, भाज्य बराबर जिसमें हमने भाग दिया, तो किसमें दिया 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15, ये क्या है हमारे पास भाज्य। फिर लिखेंगे हम भाजक, भाजक यानी जिससे भाग दिया, भाग किससे दिया 7x माइनस 4 से। फिर आएगा भाज्य भाजक, फिर आएगा भागफल, भागफल का मतलब होता है इसका उत्तर, उत्तर क्या आया भाग देने पे 2x प्लस 3। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे शेषफल, और शेषफल कितना बचा हमारे पास माइनस का 3, ठीक है, शेषफल आ गया माइनस का 3। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 करेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि
एक्स प्लस छः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बयालीस का एक गुणनखंड है। पहले हम इसे भाग देंगे, इसी प्रकार से भाग देंगे। अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है और शेषफल नहीं बचता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, गुणनखंड होगा, और शेषफल बचता है तो गुणनखंड नहीं है। तो x प्लस छः से हम भाग देंगे किसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बयालीस को। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ क्या है x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे एक और x से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो जब x से गुणा करेंगे तो x गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, तो हमने प्लस लगा दिया। छः की गुणा किससे करेंगे, x से करेंगे तो क्या आएगा, छः एक्स। उल्टा चिन्ह लगा दिया, यहाँ लग गया माइनस और यहाँ भी लग गया माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो छः में एक जोड़ेंगे, सात एक्स, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि छः एक्स बड़ा है और छः एक्स पे माइनस का साइन लग रहा है। यहाँ उतार लिया हमने माइनस का बयालीस। अब क्योंकि माइनस लग रहा है, सबसे पहले हम माइनस लगा देंगे। हमें यहाँ पे सात एक्स चाहिए, यहाँ पे केवल एक्स है, तो किससे गुणा करेंगे हम, सात से करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का सात एक्स, और माइनस प्लस माइनस माइनस सात चिन्ह बयालीस हो गया। विपरीत चिन्ह लगाएंगे, ये लगेगा प्लस, ये भी लगेगा प्लस, और ये कैंसिल हो गया। क्योंकि भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला गया है, तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे कि क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो हम क्या लिख लेंगे, x प्लस छः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बयालीस का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अगर भाग देने पर शेषफल बचता है, शेषफल बचता है तो हम लिख देते हैं कि गुणनखंड नहीं है, ठीक है। और शेषफल नहीं बचता है तो लिखते हैं कि गुणनखंड है। और जैसे इस सवाल में था कि भाग, हमें भाज्य भाजक भागफल और शेषफल निकालना है, तो इसका एक सूत्र होता है हमारे पास, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। इससे हम इसका, इसको क्या कर सकते हैं, सवाल को चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो किया है सही है या नहीं, कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल द्वारा हम इस सवाल का सत्यापन भी कर सकते हैं। बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास 5C। 5C में क्या है, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब हमें गुणनखंड करने हैं, ठीक है। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन है। ए स्क्वायर और वन को हमने कुछ नहीं करना है, मध्य पथ को तोड़ेंगे हम। और मध्य पथ को तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर तो ऐसे ही लिख देंगे। ये जो 2a है हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, a प्लस a लिख दिया हमने, और 1 को ऐसे लिख दिया। क्या करना है, प्रथम पद को और अंतिम पद को ऐसे ही लिखना है, मध्य पद को तोड़ देंगे। मध्य पद को तोड़ने के लिए 2a है तो क्या लिखेंगे, a प्लस a लिख दिया हमने, तो a और a मिलके कितने बन गए, 2a बन गए। अब हमें फर्स्ट 2 में कॉमन लेना पड़ता है और लास्ट 2 में कॉमन लेना पड़ता है। जब हम पहले दो में कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब एक जैसे, यहाँ क्या है ए स्क्वायर है, यहाँ कितना है ए है, तो क्या कॉमन आएगा, ए आएगा। यहाँ क्या बचेगा, केवल ए बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, वन बचेगा, क्योंकि ए बाहर आ जाएगा, ए से ए को भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा, और ए से ए स्क्वायर को भाग देंगे तो एक ए तो हट गया, कितना बच गया, एक ए बच गया प्लस। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि कोई कॉमन नहीं है, जिसमें कोई नहीं होता उसमें हम एक कॉमन लेते हैं, हमने क्या ले लिया, एक कॉमन ले लिया, और इस पद को हम ऐसे ही लिख देंगे। ये दोनों क्या है, एक जैसे होने चाहिए, तभी हमारे गुणनखंड क्या होते हैं, सही होंगे। तो दोनों में से एक बार लिख देंगे a प्लस वन, लिख दिया। अब बचे हुए पद को लिखेंगे, यहाँ क्या बचा है a, और बीच में कहीं का चिन्ह है प्लस का, और यहाँ क्या है एक, तो हमने ये लिख दिया। पहले क्या किया, जो एक जैसा पद है उसको लिख दिया, फिर बचे हुए पद को लिख दिया। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, a प्लस वन का
होल स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले मध्य पद को तोड़ना है। मध्य पद में 2a है तो इसे हम a प्लस a लिख देंगे, a और a जुड़ने पे 2a बनेगा। अब आती है कॉमन की बारी। कॉमन वो होता है जो दोनों पदों में एक जैसा होता है। यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, यानी a दोनों में से बाहर निकल सकता है। a को हमने बाहर निकाल लिया। जब a से हमने a स्क्वायर को भाग दिया तो केवल क्या बचा, a बचा, प्लस था प्लस लिख दिया, a से a को भाग दिया तो 1 बचा, प्लस का साइन था प्लस लिख दिया। यहाँ हमें कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब हम 1 लेंगे। जहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा वहाँ पे 1 लेते हैं, और 1 लेने पर क्या बच गया, a प्लस 1। ये दोनों पद एक जैसे होने चाहिए कॉमन वाले। इन दोनों को हमने एक बार लिख लिया क्योंकि इन दोनों में से भी फिर कॉमन ले लिया तो a प्लस 1 आ गया। अब बचा हुआ लिखा, क्या बचा, यहाँ पे a, a लिख दिया, प्लस था प्लस लिख दिया और 1 था 1 लिख दिया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम हैं, और कितनी बार हैं, 2 बार हैं, इसलिए इसकी घात लग गई 2। ठीक है, अब हम ऐसा ही अगला प्रश्न करेंगे। 36x² प्लस 60x प्लस 25 है, तो 60 को तोड़ेंगे हम, तो 60 को क्या लिखेंगे हम, 30x प्लस 30x लिख दिया। 60 को लिख दिया हमने, 30 प्लस 30 कितना बन गया 60, और प्लस लिख दिया 25। अब फर्स्ट टू, शुरू के दो पदों में और लास्ट के दो पदों में कॉमन लेना होता है। देखो पहले क्या है, 36 और 30 एक साथ किसके पाड़े में आता है, 6 के पाड़े में आता है, 6 × 5 = 30, 6 × 36, तो हम क्या ले लेंगे, 6 ले लिया हमने। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। अब 6x का भाग 36x² में देखिए, तो 6 × 36 6 आ गया, एक्स स्क्वायर था एक्स है, तो 1x अट गया, तो क्या बच गया, 1x बच गया, 6 × 36 एक्स स्क्वायर में से 1x अट गया, तो 1x बच गया, प्लस लिख दिया। 6x का भाग 30x में देंगे तो एक्स से तो एक्स गया, और 6 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 5 बार लिख लिया, प्लस। अब देखना है कि 30 और 25 किसके पाड़े में एक साथ आते हैं, तो किसके आते हैं, 5 के। ठीक है, 5 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, क्योंकि x यहाँ नहीं है तो ये x ऐसा ही आ जाएगा, प्लस का साइन है प्लस लिख दिया। 5 का भाग 25 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 × 25 5 लिख लिया। अब क्या किया हमने, पहले कॉमन को एक साथ लिख दिया, जो कॉमन है उनमें से एक बार लिख लिया, फिर से कॉमन ले लिया, तो 6x प्लस 5 ये हमने लिख दिया। अब हमें बचे हुए पद को लिखना है, बचा हुआ पद क्या है, यहाँ पे 6x प्लस का चिन्ह है प्लस लिख दिया, प्लस कितना बचा हुआ है, 5। ठीक है, दोनों सेम है और कितनी बार हैं, 2 बार हैं, तो इसलिए हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, x 6x प्लस 5 की घात 2। 60 को तोड़ा, क्या लिखा, 30x प्लस 30x, दोनों में कॉमन देखा, 36 और 30 किसके पाड़े में आते हैं, 6 के पाड़े में आते हैं, और दोनों में से x भी कॉमन है ले लिया, तो 6 का x का भाग 36x² में दिया, तो 6 × 36 एक्स स्क्वायर से 1x चला गया, तो क्या बच गया, x बच गया, प्लस 6x का भाग 30x में दिया, x से x कट गया, और 6 × 5 = 30 5 आ गया। अब दूसरे पद को देखा, दूसरे पद में क्या है, 30 और 25 है, किसके पाड़े में आते हैं, 5 के, तो 5 का भाग 30 में दिया कितनी बार गया, 6 बार, और x ऐसे ही लिख दिया, प्लस था प्लस लिख दिया, 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 × 25 ये दोनों पद जो एक जैसे हैं उनमें से फिर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पे क्या आ गया, 6x + 5। अब हम बचे हुए पद को लिखेंगे, बचा हुआ पद क्या है, 6x + 5 लिख दिया, दोनों सेम है इसलिए इस पर 2 घात चढ़ा दी, बस इतनी रह। बच्चों अब 5C तक के क्वेश्चन आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। अब आज यहीं तक, इसी वीडियो में यहीं तक होगा, धन्यवाद।